तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली अगर इसमें करोगे तो जो वेलोसिटी है वो दिया हुआ है, वेलोसिटी वो मॉड टी माइनस टू, एक बर्ड फ्लाई करती है उसकी वेलोसिटी यहाँ पर मेंशन है। देखो वैसे तो वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन इसका वेलोसिटी यहाँ हमेशा पॉजिटिव दिया हुआ है क्योंकि मॉड के अंदर है। मॉड के अंदर कुछ भी रहता तो पॉजिटिव लगेगा। जैसे मॉड 6 है, तो मॉड 6 का मतलब ये हुआ कि +6, और मॉड एक्स मॉड 6 का मतलब होता है वो भी +6 ही होगा। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है भाई? +6 का मतलब है एक्स एक्सिस से, यहाँ एक्स इज इक्वल टू 0 है, और तुम देखोगे यहाँ एक्स मॉड 0 तो ये 0 ही होता है। तो एक्स 0 है तो +6 का मतलब है ये वाली लेंथ, दिस लेंथ इज एक्स मॉड +6, ठीक है ना। और ये जो है वो एक्स मॉड प्लस ये 6 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला डिस्टेंस राइट साइड, और ये वाला लेंथ -6 है। लेकिन यार है तो लेंथ ही ना, समझ में आ रहा है, लेकिन माइनस लगा, मॉड लगा है, तो ये यहाँ से ये लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। -6 का मतलब होता है इस साइड, लेफ्ट साइड ये, लेकिन लेफ्ट साइड लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो उसी तरह से अब इस लॉजिक से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जब समय, देखो यहाँ पे टाइम टी लेस देन इक्वल लेस देन समय जो है टू नहीं एग्जैक्ट टू इक्वल टू, और यहाँ से इनइक्वलिटी तुम देखोगे यहाँ पे, जब टाइम की वैल्यू इसके मॉड के अंदर पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता, मॉड के बाहर तो पॉजिटिव होगा, तो जब टाइम की वैल्यू लेस देन टू है या इक्वल टू ये 0 है उस वक्त, ठीक है ना, एग्जैक्ट टू उस वक्त जो मॉड के अंदर है जो वो है वो निगेटिव है, निगेटिव आ रहा है। निगेटिव मतलब ये हुआ कि यहाँ से तुम देखोगे जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की वो तो रिप्रेजेंट करा है स्पीड, जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की निगेटिव का मतलब होता है इस साइड होगा, दैट साइड दिस इज द ये। और एग्जैक्ट टू पे, टू इज इक्वल टू 0 पर, सॉरी टू इज इक्वल टू एग्जैक्ट 2 सेकेंड पर स्पीड जो है 2 - 2 दैट इज मॉड 0 आ जाएगा, मतलब रुका हुआ है, स्टॉप हुआ है, यहाँ पार्टिकल स्टॉप है और इधर इस साइड जा रहा है, ठीक है ना। और अब यहाँ से टी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 - 4 सेकेंड तक उड़ी है ना, और यहाँ से तुम देखोगे ये वाली चीज़, बच्चे इसमें परेशान होते हैं तो मैं थोड़ा इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। टी की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो और लेस देन इक्वल टू 4 हो, उसमें मॉड के अंदर जो भी आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के देखो, मॉड के अंदर तो बाद में पॉजिटिव ही निकलेगा, लेकिन मॉड के अंदर पॉजिटिव निगेटिव तो दोनों पॉसिबल है ना भाई। तो ये यहाँ तुम देखोगे तो ये पॉजिटिव का मतलब है पार्टिकल इधर जा रहा है, ठीक है, ये वाली। तो चलो इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पे एक्सलेशन देखोगे तो एक्सलेशन इज इक्वल टू dv/dt होता है, तो t - 2 तो एक्सलेशन आ जाएगा 1 m/s² जो कि मॉड है तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले ये देखो कि जब समय 0 था, यहाँ पर जब टाइम 0 था ओरिजिन पर, तो स्पीड u कितनी थी? स्पीड u थी टी इक्वल टू 0 पर देखो -2 m/s। -2 का मतलब यह है कि यहाँ से जो स्पीड है वो इधर को डायरेक्शन में है, इधर को, और एक्सलेशन इसका इधर है हमेशा पॉजिटिव, एक्सलेशन 1 m/s² इधर है, ठीक है। अब यहाँ पे जब समय बीत चुका है 2 सेकेंड तो पार्टिकल रुका हुआ है, स्पीड 0 है, ठीक है, ऐसे आया है ऐसे रुक गया, तो ये जो डिस्टेंस है वो एस एस चला है, ये हमें इसकी लेंथ निकालनी एस। दोबारा पार्टिकल अपनी डायरेक्शन बदल चुका है, समझ रहे ना, क्यों डायरेक्शन बदल चुका है भाई? क्योंकि यहाँ मॉड के अंदर जो स्पीड है वो पॉजिटिव है, तो दोबारा पार्टिकल जो है रुकने के बाद वो इधर जा रहा है जो कि उसकी स्पीड पॉजिटिव है, और एक्सलेशन भी इधर ही है जो कि 1 m/s² है। तो टोटल डिस्टेंस अगर देखोगे, टोटल डिस्टेंस चला तो s + s दैट इज 2s डिस्टेंस चला है, ये इसका फाइनल कंक्लूजन है। तो 2s इसका मतलब s निकालना है, तो मैं लगा देता हूँ s इज इक्वल टू ut + ½ at² शुरू शुरू में ओरिजिन में लगा देता हूँ। तो इनिशियल स्पीड इसका, इनिशियल यहाँ पे ध्यान रखना वेलोसिटी रखी जाती है, जबकि ये क्या दिया था? स्पीड दिया था, ठीक है। तो वेलोसिटी u की डायरेक्शन -2 है और टाइम 1 है, और +½ एक्सलेशन a 1 और टाइम t दैट इज t² दैट इज 4। इसका मतलब ये हुआ कि
टाइम 2 सेकेंड ना, 2 सेकेंड ऐड टू आ जाए, तो -4 और प्लस यहाँ पे 2, मतलब -2। तो -2 क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट देता है। तो हमें तो डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस कितना बनेगा? तो डिस्टेंस बनेगा s का मॉड मतलब -2 का मॉड मतलब 2, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला 4 सेकेंड में? टोटल डिस्टेंस 2s, मतलब ये आ जाएगा 4 मीटर चला होगा। दैट इज द फाइनल कंक्लूजन। आई होप कि ये जो सोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बाकी आप गूगल इंटरनेट पे देख लेना, वो लोग कई कई तरीके से सॉल्व किए हैं, और ये हम आप अपने दिमाग से लगा के बच्चों के लिए एक्सप्लेन किए हैं। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।